कि जहां ये बात मेरे सामने आ जाती है कि अब कोई लड़ने वाला नहीं है, तो मैं फटाक जो उसमें कूद जाता हूं कि मैं हूं ना लड़ने वाला। कैसे नहीं कोई लड़ने वाला, लड़ तो रहा हूं। इस प्रदेश के अंदर पार्टी नहीं बनी थी किसी नेता से, हो सकता उसके पिताजी कितने ही बड़े होंगे, दादाजी ये थे, कई लोग तो इसी नाम के वोट मांगते। मेरे दादाजी ने नौकी 13 कर दी, 14 की, 18 कर दी। कहाँ कर दी दादाजी, नोचुला धूड़ कर दी दादाजी थारा। तो दादाजी दादाजी थे चारों तरफ, दादाजी ने मिलकर बर्बाद कर दिया इस राजस्थान को, आपको पता है सारा। तो तालाबों का पानी पी पी के पहुंचे हम यहाँ पे, हमें वो दिन भूले थोड़े हम लोग किस तरह नारू रोग होता था नागौर के अंदर। कौन जिम्मेदार था उसके, दादाजी थे जिम्मेदार कि नारू रोग होता था। और जब विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो लोग हमें कहते तो नागौर वाले तालाब का पानी पी। हकीकत बता रहा हूँ विजयपाल, ये चीजें हमने विश्वविद्यालय के अंदर झेली है। भाइयों, अगर दिल्ली तक मान सम्मान बढ़ाया, खाली नागौर का ही नहीं, इस राजस्थान का सम्मान किसी ने बढ़ाया, एक पार्टी खड़ी की, पार्टी आसानी से खड़ी नहीं होती, लोगों से अपना परिवार नहीं चलता, एक पार्टी खड़ी करके उस नौजवानों की पार्टी को चलाना जो नौजवान किसी के काबू में नहीं आता, उसकी पार्टी को चलाना, 5 साल 7 साल तक लगातार आपके बीच रहना और 15-20 साल तक त्याग समर्पण करना। 2003 से लेकर लगातार 23 तक 4 बार राजस्थान में मंत्री पद ठुकराए, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए, और जब मोदी की सत्ता के अंदर शामिल आने का मौका आया तो किसान आंदोलित थे, देश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अब नहीं तो कब। तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो, बोले आपकी कुर्बानी चाहते हैं, शहादत चाहते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं, मुझे आप काम बताओ। बोले NH-8 को जाम करना है, जो NH-8 गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था, हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने NH-8 को जाम कर दिया और 70 दिन सड़क पर बैठ के इस जिद्दी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को झुकाने का काम किया। परोसी हुई थाली को ठोकर मार के NDA छोड़ के सड़क पर कोई आया, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो आपकी तरह एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से होता हुआ विधायक और सांसद बना, और जब देश के अंदर किसानों को जरूरत पड़ी तो अपनी कुर्बानी देके आपके बीच आया और भाइयों प्रधानमंत्री को झुकाया। जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, बात बहुत चली थी, 2 दिन तक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन प्रदर्शन कौन कर रहे थे, वो बच्चे कर रहे थे जो बेरोजगार थे, जो सेना के अंदर जाना चाहते थे, वो भारत माता के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि कोई नेता हमारे साथ ही नहीं है तो कहां लड़ेंगे। मुकदमे दर्ज किए, जेलों के अंदर डाल दिया। बिहार में आंदोलन की शुरुआत हुई, कई जगह और आंदोलन चला, पश्चिम बंगाल कई जगह विरोध हुआ, लेकिन झंडे के साथ किसी नेता ने अग्निपथ का विरोध नहीं किया। झंडे के साथ इस देश की राजनीति अग्निपथ का विरोध करके सेना के सम्मान पर सड़क पर कोई आया, वो नागौर का सांसद था जिसने लोकसभा के अंदर ये कहा कि अग्निपथ मंजूर नहीं, हम अग्निपथ का विरोध करते हैं और अग्निपथ वापस कराएंगे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को फिर चेतावनी दी, हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। और मेरी चेतावनी के बाद जो 25% अग्निवीर वापस ले रहे थे, 75% वापस कर रहे थे, वो 25 का कोटा बढ़ा के 50% कर दिया कि अग्निवीर जो लेंगे 50% को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब 75 वापिस भेज रहे थे, अब 50 भेज रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन छात्र संघ की 14 की जो रैली है उसके बाद एक मूवमेंट दिल्ली की ओर करना होगा। दिल्ली को घेरने के लिए चलेंगे 2 लाख जवान, मोदी को झुकाएंगे और सेना का सम्मान भी देश के अंदर लौटाएंगे। ये भी मैं आगे से अभी से घोषणा कर देता हूँ, मीडिया वाले इस बात को पूछेंगे कि अगला कदम क्या होगा, तो पहले से बता दूं मेरा अगला कदम उधर दिल्ली की तरफ भी है। अभी तो राजधानी घेरेंगे, फिर बड़ी राजधानी को घेर लेंगे। वो जवानों किसानों के लिए लड़ाऊं, मेरी पार्टी का नारा था जय जवान जय किसान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब गठन हुआ, आपको पता है कि जब सिंबल मिला मुझे, उस समय रैली चल रही थी, सिंबल लेना आसान नहीं होता, पार्टी बनना आसान नहीं होता। मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूँ जो कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बना ली क्या पार्टी, आगे क्या पार्टी बन गई क्या किसी से, नहीं बनाई। और अगर कोई कह रहा मैं पार्टी बना के लड़ा, वो पार्टी बना के नहीं लड़े थे, उधार की पार्टी लाए थे किसी की, उधार की पार्टी का चिन्ह जैसे अलग थलग हुए उनको उस पार्टियों से निकलना पड़ा। भाइयों, पार्टी अगर राजस्थान में बनाई तो नौजवानों के संघर्ष, किसानों का आशीर्वाद, हनुमान बेनीवाल ने इस पार्टी को बना के प्रयास किया। और जो बोतल का चिन्ह मुझे मिला है, ये लोकसभा चुनाव के अंदर बोतल का चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने मुझसे छीन लिया था, मैं टायर पे
भारतीय जनता पार्टी के 24 एमपी बिठा के दिल्ली ले गया था, अगर 25 सीटें बीजेपी की आई गठबंधन में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा योगदान था। तो भारतीय जनता पार्टी 4 महीने पहले चुनाव हारी थी राजस्थान में, वो एकदम से 25 सीट लेती है क्योंकि आरएलपी के नौजवानों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। और वो गठबंधन में मैंने आप लोगों को पूछ के किया था, बताओ क्या करें, ये दादाजी से पीछा छुड़ाना नागौर के अंदर किससे करें बताओ, 1.5-2 लाख वोट कम पड़ रहे थे, तो सबने कहा मोदी वाले पार्टी से कर लो, कर ली मैंने तो गठबंधन। फिर आपने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया, अब और क्या चाहते हो, मेरी क्या परीक्षा लेना चाहते हो बताओ मुझे। लोगों ने तो सत्ता में रहे 20-25 साल, उनको तो अपन पूछ नहीं रहे, बर्बाद कर दिया इस राजस्थान को, उनको पूछ नहीं रहे। एक आदमी लड़ रहा आपके लिए जो ये झंडा लगा के नहीं लड़ना चाहता, बिना झंडे के लिए भी आंदोलन को तैयार है। आप ये बताएं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के बिना झंडे के किसी मंच पे जा सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिना झंडे के आ सकता है क्या मंच पे? लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए मैं बिना झंडे भी सड़क पर लड़ाई लड़ लूंगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। जब कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा अगर झंडा नहीं गया तो पुलिस वाले तुम्हें कार्यक्रम नहीं कराने देंगे राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल झंडा लेके आपके बीच आया, और मैं यहाँ दूसरे जो छात्र नेता बैठे हैं मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा जो संघर्ष है उसमें कई पार्टियों के छात्र नेता, जो कभी कोई NSO से जीता, कोई NSO का टिकट नहीं मिला गलती से BJP से जीत गया, कोई निर्दलीय जीता, लेकिन उनके मन में हनुमान बेनीवाल बसता है, वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारे भाई हैं। और जितने भी छात्र नेता अलग अलग संगठनों पर, उनका तो मैं स्वागत करता हूँ, उनको ये भी कहूँगा कि छात्र संघ का चुनाव तुम्हें लड़ना है, मेरी पार्टी का कोई संगठन नहीं राजस्थान के अंदर, मैं तो तुम लोग लड़ते हो, जितनी मेरे से मदद होती है मदद करता हूँ, और एक बात कहता हूँ आपस में लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के बाद बच्चों का ध्यान रखना, गरीब किसान के बेटों का ध्यान रखना, हमेशा मेरा बात सुनो। ये भी कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, हम किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां, हमें किन तकलीफों के दौर से नरेगा में मजदूरी करके हमारे माता पिता पढ़ाते हैं, अगर हम नशे के अंदर चले जाएंगे या हम बदमाशी करके गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, हम अपराधी बन जाएंगे, तो उन माँ बाप को कौन जीने देगा गाँव के अंदर बताओ, कौन बोलने देगा? ये हमेशा से मेरी बात रही, और उसी का परिणाम है कि आज आप इंतजार कर रहे हो। लोग कहाँ इंतजार करते हैं, जवान किसी का इंतजार नहीं करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मंत्री बना या नहीं बना, लेकिन इस देश और प्रदेश के अंदर राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश में और प्रदेश में, जिले का, आपके विश्वविद्यालय का, जहाँ मैं रहा, जिस स्कूल में पढ़ा, आज तो लोग ये भी कहते हैं कि हम 1985-86 के अंदर हनुमान जी के साथ पढ़ते थे। अब आधे बच्चों को थोड़ी जानता हूँ, हमें याद है कि मैं 85-86, लेकिन करीब करीब वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारी स्कूल के सहपाठी थे, हमारी कॉलेज के थे। जिस तरह आपके यहाँ का अजमेर का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में चला जाता है, अपन सब कहते हैं भाई हमारे अजमेर का था, वो हमारे यहाँ का था, हमारी स्कूल में पढ़ा, हमारी कॉलेज में पढ़ा। तो भाइयों, जब भी संघर्ष की बात चलती है, अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतने डर गए दोनों पार्टियां, मेरे पे भी आरोप लगाएंगे, एक दो दिन बाद देखना CM खुद ही बोल देंगे ये हनुमान जी क्या छात्रों की बच्चों की राजनीति कर, तो फिर किसकी राजनीति करूं बताओ मुझे? आप बताओ, 18 साल के बाद वोट लगता है, छात्र युवा है और युवा छात्र है, छात्र जब डिग्री लेता है UG के बाद PG के बाद वो फिर कोई LLB करता है, कोई और डिग्री लेता है, तो युवा रहता है, वो बेरोजगार भी वही है और बेरोजगार छात्र है युवा है, ये तो प्राय बात है एक दूसरे के। इसलिए मैंने इस रैली का नाम दिया छात्र युवा, छात्र युवा छात्र अधिकार, छात्र अधिकार युवा हुकार रैली, छात्रों को उनका हक मिले, छात्र संघ चुनाव हो इसी तर्ज पे हो जिस तरह पंचायत चुनाव पालिका चुनाव फिक्स समय पे होता है, अमले का अलग आयोग बना दें, चाहे उस मिनिस्ट्री के अंडर में बनाए, चाहे किसी के अंडर में बनाए, चाहे हमें स्वतंत्र करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर जिस तरह पुलिस दिखाई देती है, हमारे जमाने में तो नहीं थी इस तरह, नहीं थी, हाँ आई थी पुलिस एक दिन जब हमें पकड़ के ले गई थी, एक नहीं आई थी, हजारों आए थे, वो काम ही हमने ऐसा किया था, वो किससे आपको पता लग जाएंगे सारे, मेरे उसमें नहीं बोलते था भाषण के अंदर, वो पुराने किस्से जो थड़ियों पे कहीं मिल जाएंगे, हनुमान जी ने क्या क्या वो आपके लिए किया। लोग छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद पता हूँ क्या करते हैं, कोई तो जमीन पर कब्जा करता है, कोई दूसरे काम करता है, एक व्यक्ति था अध्यक्ष बनने के बाद भी आपकी सेवा करी और कहा कि मेरे भाइयों को मैं आगे लेके जाऊंगा, जो मैंने कमिटमेंट किए वो पूरे करूंगा, 17 दिन की भूख हड़ताल करी
और राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों को जेल के अंदर बुलाया और जेल में 17 दिन बाद भूख हड़ताल तोड़ी और सारी मांगे मनाई राजस्थान के इतिहास के अंदर। पहली बार उस दल का अध्यक्ष जेल के अंदर रहता है। वो राजस्थान की जिद्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाता है और जेल से बाहर आता है। वो किसके लिए आता है? आपके लिए आता है। मैं तो कोई लड़ाई नहीं, मैं तो लड़ाई क्योंकि मुझे कोई पद का लालच नहीं, और जिसको जिस पद का लालच नहीं वो व्यक्ति कैसे ही चले। भाइयों, ये बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई से कांग्रेस वाले कितने डरते हैं। ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, और बीजेपी वालों के तो एक मुकदमा दर्ज हो गया, एसीबी आ गई तो भाग खड़े होते हैं कि आप ऐसा करो, हमारी यहाँ मदद करो, हम दिल्ली में आपकी करा देंगे मदद। ये धंधा कर रहे हैं सारे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ईडी सीबीआई से नहीं डरता, उसे डर लगता है ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो तो आपकी तरह आम आदमी है। क्या कर लेगी ईडी? अगर जांच भी करेगी, 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी जूते मिल जाएंगे, उसमें तो केस नहीं बनता ईडी का। दो वैसे ही पहनते, कोई अच्छे घर के थे, यूं थोड़े ही थे। भाइयों, ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आज खुल के आपकी पैरोकारी कर रहे हैं।